और आज हमारी गाड़ी का फर्स्ट ऑफिशियल ऑफ रोड हम कह सकते हैं। 2-3 पूरा रास्ता ऐसे गीला सा है, मतलब गाड़ी फंसने फंस भी सकती है। यहाँ गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब आज है संडे और आज हमारी गाड़ी का फर्स्ट ऑफिशियल ऑफ रोड हम कह सकते हैं। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ज्यादा ना हो, लेकिन वहां जाके रुका नहीं जाता है। और कहां जाना है, कौन कौन आ रहा है, वो कुछ डिसाइड नहीं है। शोएब भाई के पास जाएंगे, डिसाइड करेंगे। पहली बार जाने वाली है, एक्साइटेड भी हूँ बट थोड़ा सा डर भी लग रहा है। जिप्सी बेचारी, एक्चुअली कल मैंने आपको कहा था कि इसे ठीक करवाने के लिए दे देंगे, लेकिन भैया जो थे जिनको देनी थी गाड़ी वो कहीं बिजी थे तो बात हो नहीं पाई। तब जब भी होगा तो वो आके गाड़ी ले जाएंगे और करेंगे जो भी काम है इसका। एक इम्पोर्टेंट चीज है जो इसमें पड़ी हुई है वो है ये टोस्ट रैप, ये जरूरी है। और एक और चीज है हमारा पानी का कंटेनर, पानी अभी उधर से ही भर लेंगे कहीं से रास्ते से जहाँ हैंडपंप वगैरह होगा, बट लेके रख लेते हैं इसको। तो जी चलिए फिर निकल रहे हैं यहाँ से। तो जी पहुंच गए हैं ठिकाने पे, तो गाड़ी अंदर ही लेके जानी पड़ेगी। पानी की ये बोतल है, ये भर लेते हैं। ऑफ रोड की तैयारी हो चुकी है। हाँ जी कोई हेलो है नहीं बोलते हो अभी, क्या है कि पानी भर रहे। ये हमारा पानी वाला है, ये हमने साइकिल्स ले ली है, टोस्टर तो मैं लाया ही था, ये हमने भर लिया है पानी, इसे रख लेंगे अपनी गाड़ी में। ये सैंडविच है, कुछ रखना है पीछे, तो सीट के ऊपर डाल दो। जल्दी कैसे बैग मेरी जिप्सी में पड़ा हुआ था, अब आपकी थार में पड़ा हुआ। ये आज धोई नहीं है, अभी एक बार धुलवा ली ना मैंने। पट्टे दो हैं, एक फटाएगी। तो ये नॉर्मल वाली एम्बुलेंस नहीं है, पोस्ट ट्रैवलर है ये, ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट। इसमें वेंटिलेटर होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है। जो फुली लोडेड एम्बुलेंस होती है ना वो यही वाली है। ऊपर वाली साइड ये एसी आ गया ना, ये वेंटिलेटर। हाँ जी, ये आपका सारे मीटर जितने भी हैं, सिलेंडर ऑक्सीजन के इसके नीचे डलते हैं। इंटरकॉम भी लगा हुआ है, आपस में बात भी कर सकते हो। तो अभी जो स्ट्रेचर है वो गया हुआ है सैनिटाइज होने के लिए, हर एक पेशेंट जाता है तो उसके बाद सैनिटाइज होता है। हाँ, जैसे ये गाड़ी अभी सैनिटाइज हुई हुई है। हाँ जी, ये हुई हुई है। निकल चुके हैं यहाँ से, तो अभी सिदरा वाली साइड ही जा रहे हैं। फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो गया, ऐसे आ गए हम अपनी R700 में, और ये हूँ आपके साथ मैं, और जो तरुण भाई है वो थोड़ा पीछे रह गए, तो उनके भी शॉट्स आपको दिखाते हैं। गाड़ी अच्छी दिखती है यार, ये R700। सारे कमेंट करो कि तरुण भाई भी अपनी गाड़ी में ये वाला एग्जॉस्ट लगा ले। आप गाने सुनो मेरे साथ। तो जी फिलहाल मेरा GoPro ले लिया है शोएब भाई ने, और मैं आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन आईफोन से क्या है कि पिछले कुछ दिनों से ना इसमें फाइल्स ट्रांसफर नहीं हो रही है, लास्ट में आके अटक जाती हैं। तो मैं रिस्क नहीं लेने वाला, बहुत ज्यादा मैं शूट नहीं करूंगा इससे, थोड़ा थोड़ा करेंगे जितना मैनेज हो जाएगा। तो देखो जी गर्मी का सीजन आ गया है, बट ये जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ना टेंट इलीगल रखी गई, या फिर लीगल है। अब बड़े लोग क्वेश्चन करते हैं कि एक कोई स्पेसिफिक टेंट होती है वो लीगल होती है, बट इनको लीगल कर देनी चाहिए कुछ विजिबिलिटी तक। यहाँ कोई पुलिस वाला तो मानता नहीं है। अगर आप करवा लो टेंट तो अपने रिस्क पे है, जहाँ पकड़ी या तो टेंट उतारनी पड़ेगी या तो गाड़ी इम्पाउंड, और गाड़ी इम्पाउंड करके भी वो डबल बेंच से छूटती है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो ये शेड्स लगाने पड़ते हैं, और मैंने कहीं सुना था कि इनका भी चलान होता है। तो भाई क्या कर रही है पब्लिक, कमेंट करो भाई, पिटीशन बनाओ भाई। और ये जो गाना है ना स्पेसिफिकली कोक स्टूडियो का, ये मेरा फेवरेट बनते जा रहा है। थोड़ा सा सेकंड गियर में आओ, मैं बताता हूँ। आओ जल्दी आओ, साथ में आओ। इनकी गाड़ी ना मेरे से लाइट है और टायर भी छोटे, वेट भी कम। 1-2-3
फाइनली पहुंच चुके हैं सिद्रा, गाड़ियां आपको हमारी दिख रही हैं और यहां पे हैं अश्विनी भैया। क्या हाल चाल है? तो काफी देर से हमारा प्लान चल रहा था, तो अश्विनी भैया लेकर आए हैं जिप्सी। आज फिर आप जिप्सी के साथ हमें कर्तव्य दिखाने वाले हो, क्योंकि हमारी जिप्सी तो आई नहीं है आज। मैंने सोचा था कि आएगी। तीन लोग ही हैं फिलहाल के लिए। क्या क्या हाल चाल है जी? सर क्या नाम आपका? इरफान। कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? गेरे सीधा तक चक्कर मारने अब जा रहे हैं घर। वीडियोस देखते हो ना? जी बिल्कुल। पक्का रहा? पक्का। कीप सपोर्टिंग। ओके जी, ओके बाय बाय। कि अभी ना शिव भैया का वेट कर रहे हैं, तो जितनी देर में वो आते हैं मैं चलाने वाला हूँ अश्विनी भैया की जिप्सी, क्योंकि अपनी तो मैं रोज चलाता हूँ। हर एक जिप्सी ना अपने आप में खास है यार। अब ये जिप्सी है 2008 मॉडल, इसका पिकअप और स्मूथनेस नेक्स्ट लेवल है। तो जी विजय सर भी आ चुके हैं। सर क्या हाल चाल है? तरुण आज तो ऐसा रास्ता भगवान की दया से कंप्लीट हो जाए 4x4 पे। मैंने तो चैलेंज किया था, आपने मेरी गाड़ी देख ली है, मैं ले आऊं इस गाड़ी को लेकर। मैंने चैलेंज किया था कि इस ट्रैक को नहीं, अगर कर जाओगे आप सभी बेस्ट राइड, अगर आप चले गए तो बाकी लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि मुझे जो लगा कि बहुत मुश्किल है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो तैयार है? खुशबू क्या चले? बढ़िया। परेशान लग रहे हो? शिप भी अभी आ चुके हैं और आज ये दूसरी गाड़ी लेकर आए हैं, जिस गाड़ी की हमें जरूरत है। क्या बात है, गाड़ी भी और लोग भी, आज मुझे लगता है कंटेंट भी लगा अच्छा खासा। क्या हाल चाल भैया? अपना तो कंटेंट इधर ही बन गया है। क्या हाल चाल भैया? ठीक हो? फैजू भाई, आपको आज एसी वाली गाड़ी में बिठाना हमने, ठीक है? चल भाई ठीक हो? क्या यार, क्या गाड़ी है आपकी यार? अभी बनानी है, अभी क्यों हुआ? अभी और बनानी है? कुछ नहीं हुआ अभी। काफी सारी चीजें हैं यार इसमें, रिव्यू एक दिन देंगे डिटेल में, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, तो अभी हम वो सस्पेंस खराब नहीं करेंगे। निकले से और आज के लाइनअप में है चार गाड़ियां, मेरी थार, शोएब भाई की थार, शिव भैया की नए वाली थार एंड अश्विनी भैया की जिप्सी। मेरे साथ आ चुके हैं सुनील सर। सर क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक। तो आज ये पहली बार हमारे साथ ऑफ रोड पे जाने वाले हैं, इससे पहले आपने ऑफ रोड तो करा ही होगा? बाइक पे की है, नया एक्सपीरियंस रहने वाला है। किधर जा रहे हो, किधर से आ रहे हो? इधर ही सिद्रा आए हैं। नहीं नहीं नहीं, थार के लिए मोरक नहीं दिया आपने मेरे को? भाई भाई की स्पोर्टिंग। ओके ओके ओके। आज के हमारे प्लान्स हैं कुछ ऐसे, जिस रास्ते से हम ऊपर आते थे ना, आज हम उस रास्ते से नीचे जाने वाले हैं। पैंथल वाला वो रास्ता है, अभी जब हम नीचे उतरेंगे तब आपको पता चल जाएगा मैं किस रास्ते की बात कर रहा हूँ। वहाँ से नीचे उतरेंगे और नेक्स्ट फिर किसी और जगह जाएंगे, क्योंकि आज विजय सर हमारे साथ हैं तो हमें वही रास्ता दिखाने वाले हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं और अब आपने ये जगह तो पहचान ही ली होगी कि ये कौन सी जगह है जहाँ से हम हमेशा ऊपर चढ़ा करते हैं। क्यों बताएगा मैं, यहाँ से आ गया हमारा ऑफ रोड वाला रास्ता। थार को आज पहली बार ही मैं ऑफ रोड पे लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे टेंशन क्योंकि पहली बार है, क्योंकि मुझे इस गाड़ी का ज्यादा आइडिया नहीं है। जिप्सी पे तो हाथ काफी अच्छे से बैठ गया था। इधर से एक बार नीचे वाली साइड देख लो, नजारे आपको दिख जाएंगे। आने दो आने दो आने दो, कट जाएगी आ जाओ आ जाओ। आ गई यार, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। अरे अरे बड़ी गाड़ी है ना, जिप्सी की आदत पड़ी है। हमेशा यहाँ से ना ऊपर चढ़ के हम आया करते थे, चढ़ने में ये काफी ज्यादा इजी लगता है, लेकिन उतरने में ढलान इतनी तीखी है। ओके, जिप्सी नहीं है मेरे पास तो थार के साथ थोड़ा सा मेरे को भी उतना वो नहीं आ पा रहा, लेकिन कोई इशू नहीं है, ये हमारा रेगुलर ट्रैक है, हमने यहाँ से बहुत बार किया है, नॉट अ बिग डील। तरुण भाई ने बहुत गन डाला है, ये बिल्कुल रुक रहे हैं हर दो दो मिनट के बाद शूट करने के लिए, बट अब शूट हम करेंगे, हमने कैमरा छीन लिया। तो जी इस बार रास्ता ठीक है और ऊपर जो एक घर है वहाँ हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बार रास्ता बना हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ से बिल्कुल टूटा हुआ था। गुड टू गो।
नहीं दिया, 4x2 में ही चला रहे हैं गाड़ी अभी। अभी आप देख रहे हैं थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो जी फिलहाल पहुंच चुके हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं पीछे, बंदे एसी वेसी लगा के मस्त होके बैठे हैं, धूप काफी ज्यादा है। चलिए अब यहाँ से निकल रहे हैं और गाड़ियाँ सारी आ चुकी हैं। पूरा रास्ता ऐसे गीला सा है, मतलब गाड़ी फंस भी सकती है यहाँ। आग बन, नाक बन, खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन।